तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्या सीखने वाले हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें दो प्रकार से मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमें रूट्स दे दिए जाएंगे और उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोले जाएंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला हुआ है। कहने का सिंपल मतलब क्या है, आपने सेवंथ एट्थ में और नाइन्थ में फैक्टर करे थे, आपसे ये इनडायरेक्ट वे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। तो चलिए, तो सबसे पहले ये मैंने चार क्वेश्चन लिए हैं, चार क्वेश्चनों को मैं बारी बारी सॉल्व करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर आपको एक वर्क दिया जाएगा जिसे आप करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके आप दिखाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करूंगा, क्यों, देखने में दोनों लगभग लगभग एक जैसे हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या देख रहे हैं, इस अंडर रूट आ रहा है, तो यहां से इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है ये भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर सबसे पहली वैल्यू क्या होती है, मैं आपको बता दूं, ए होता है, ये क्या होता है, ये होता है बी, और ये क्या होता है भैया, ये होता है आपका सी, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ए सी की ए से मल्टीप्लाई करनी है। अब ए से किससे करोगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर में जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहां पर कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के सामने, सिर्फ सिंपल एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर इसका कुछ भी आपको कोफिशियंट नहीं दे रहा होता, आपको बताना चाहिए कि अगर किसी नंबर में किसी चीज की मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो वन की मल्टीप्लाई हमेशा होती है। वन वन जा वन, टू वन जा टू, तो टू के अंदर भी वन की मल्टीप्लाई है, थ्री वन जा थ्री, ठीक है। तो इसी टाइप से एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, वन की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी फाइव वन जा फाइव हो गया, क्या हो गया फाइव। अब फाइव को हमें प्लस करके या माइनस करके, फाइव बन जा फाइव, यानी फाइव इंटू वन इक्वल टू क्या हो गया फाइव। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्लस करें या माइनस करें, बी की वैल्यू बननी चाहिए, क्या बन जाना चाहिए, बी की वैल्यू बन जानी चाहिए। तो बी की वैल्यू बना देते हैं, तो देखो फाइव माइनस वन करूंगा तो फोर बनेगा, और हमें क्या चाहिए सिक्स, तो यानी बी की वैल्यू तब तो नहीं बना, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसे प्लस कर देंगे। हम क्या करें, फाइव प्लस वन इक्वल टू क्या बन गया सिक्स, देखो बी की वैल्यू आ गई। तो अब हमें सिक्स की जगह क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस वन, फिर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक्स की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस, अब देखिए एक्स का अगर वन में मल्टीप्लाई करो तो एक्स ही आएगा, आप चाहो तो इसे 1x भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, अभी स्टार्टिंग में भी अगर आप समझ रहे होगे तो 1x, ठीक है ना, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पर हमारा x, कॉमन क्या है हमारा x, x कॉमन है, तो यहां से क्या रह गया आपका x, x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर का मतलब क्या है, x इंटू x, एक x हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो एक x ही तो बचा, तो बिल्कुल इसी तरीके से x बचा। अब यहां से x अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5, अच्छा अब यहां से अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन होगा, तो 1 आ गया कॉमन और क्या बच गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, अगर आपका ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी आपका है संख्या है, जो भी चीज आ रही है, अगर ये दोनों सेम है तो आपका फैक्टर बिल्कुल सही चल रहा है, अगर दोनों अलग अलग आए हैं इट मीन्स आपने कहीं गलती कर दी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे दोनों सेम आ चुके हैं और हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो देखिए अब जो ब्रैकेट में मिला इसे एक बार नोट कर लीजिए x प्लस फाइव, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसे एक बार नोट कर लीजिए x प्लस वन, ठीक है। अब देखिए अभी तक तो ये हो गया, फैक्टर ही चल रहा है, बिल्कुल फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, तो हमें फैक्टर ही यूज करना होता है। अब हमें x की वैल्यू करनी है, तो ध्यान दीजिए यहां पर बराबर में जीरो भी चल रहा था, तो x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस फाइव, एक तो जीरो वैल्यू ये हो गई, एक्स इजकल टू माइनस फाइव। सेकेंड क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस वन। सेकेंड जो है आपका
जीरो वैल्यू क्या हो गई माइनस वन। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम चाहे तो यहां पर छोड़ देंगे तो भी आपका सवाल सही है, वरना हम लिख देंगे देयरफॉर, स्टेटमेंट बना देते हैं देयरफॉर, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड x इज इक्वल टू माइनस वन आर जीरोस वैल्यू ऑफ इक्वेशन या गिवन इक्वेशन, ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करना, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन जब तक इसे नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर फोर को करा रहा हूं, पहले क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करा देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व कराऊंगा। तो कंप्लीट है, नोट कर लिया होगा हमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन की तरह ही क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, तो क्वेश्चन नंबर फोर को ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब फिर से देखिए सी की वैल्यू दोनों में फाइव है, वो बात अलग थी कि क्वेश्चन नंबर वन के अंदर प्लस की थी, यहां पर हमारे सामने क्या है माइनस की वैल्यू दी है। अब फिर से करेंगे, अब कुछ नहीं है तो आपके पास क्या है वन है, तो फाइव बन जा वन, फाइव बन जा फाइव, अब फाइव की वैल्यू फाइव बन जा फाइव। तो अब देखो, अब हमें बी की वैल्यू बनानी है यानी माइनस फोर, तो अगर मैं फाइव माइनस वन करूं तो फोर हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस जरूर लगा दीजिएगा, तो फाइव माइनस वन ब्रैकेट के बाहर क्या है एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखिए, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के फाइव एक्स, अब ये माइनस की जब मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, वन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। देखिए 5x 1x, ठीक है ना, माइनस के 5x प्लस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो फिर से क्या हो जाएगा, x कॉमन हो गया तो x माइनस 5, यहां से क्या हुआ प्लस का 1 ले लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। देखो दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहां से क्या मिला, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस के फाइव हो जाएंगे, जीरो वैल्यू होगी। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस वन यानी x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस वन सेकंड वैल्यू, ये होगी आपकी जीरो वैल्यू। आप फिर से नोट कर सकते हैं देयरफॉर द, यहां पर देखिए प्लस कर देंगे और ये तो माइनस में ही है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट है, नोट कर लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करेंगे, नोट कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री पे, अगर समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, फिर बताएंगे आपको एक्सरसाइज, कोई बात नहीं। अच्छा अब देखें क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के टू अंडर रूट टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो अंडर रूट वाले में क्या करना होगा, अब देखिए क्या बनेगा, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी वन है, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स। अब देखो हमें बी की वैल्यू क्या है, बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है भाई, ये हो गया ए, यहां पर ए इक्वल टू क्या है वन है, बी इक्वल टू क्या है टू अंडर रूट टू, और सी इक्वल टू क्या है माइनस सिक्स। अब हमें बी की वैल्यू क्या है टू अंडर रूट टू, अब हमें बनाना क्या है, हमें 6 को 2 अंडर रूट 2 बनाना है, तो आप भी देखो कैसे बनाओगे, कैसे बना सकते हैं सर, हम इसे बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए 6 को क्या नोट कर सकता हूं, 3 इंटू टू इक्वल टू क्या हो गया 6, ठीक है। अब देखिए 3 को 3 रहने दो, ठीक है, 3 इंटू, अब 2 को क्या नोट कर सकता हूं, ध्यान दो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा, टू टू जा फोर यानी फोर का अंडर रूट, और फोर का अंडर रूट क्या होता है टू, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसे मैं क्या कर सकता हूं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इक्वल टू सिक्स, यानी कि थ्री अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इक्वल टू सिक्स। अब ध्यान देना, अब हमारे पास क्या है, थ्री अंडर रूट टू और अंडर रूट टू दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, बी की वैल्यू, सॉरी अभी तो क्या है सी की वैल्यू है, अब अगर हम हमें
बी की वैल्यू कैसे बनाना होता है, जो भी आपको होता है या तो आप उसे प्लस करोगे या क्या करोगे, आप उसके फैक्टर को क्या करोगे, माइनस करोगे, तब आपकी बी की वैल्यू बननी चाहिए। तो देखो प्लस से तो नहीं आएगा, अगर मैं इसे 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 कर दूं तो आप देखिए 2 अंडर रूट 2 मिल जा रहा है मुझे, मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो बस बिल्कुल यही करना है। तो देखिए अब क्या नोट कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 को क्या नोट कर दूं मैं, 3 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या था आपका एक्स था और माइनस के 6 थे इक्वल टू 0। समझ आया, अगर समझ नहीं आया हो तो बता देना, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 3 अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 3 अंडर रूट 2। अब यहां से क्या करोगे, अब यहां से देखिए फिर से, अब सबसे पहले तो देखो दोनों माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अब हमें क्या चाहिए x चाहिए, तो क्या करेंगे हम अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट 2 ले लें। अभी आपने 6 को क्या लिखा था, 6 को हमने लिखा था अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2। अब मैंने अगर यहां से अंडर रूट 2 जो है ये कॉमन ले लिया तो अब आपके पास क्या अंदर रह जाएगा, 3 अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो अब देखिए x और जब हमने माइनस के 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों आपके सेम हो गए तो अब हमें क्या मिल गया, x प्लस 3 अंडर रूट 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें जीरो वैल्यू बतानी है, यानी x इज इक्वल टू, अभी तक क्या था, डायरेक्ट इसे कर दो मैं माइनस में हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, एक वैल्यू ये हो गई आपकी जीरो और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, अब ये यहां पर माइनस है तो साइड चेंज होने पर क्या हो जाएगा, प्लस यानी अंडर रूट। तो फिर से आप स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर द जीरोस वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट 2 एंड एक्स इक्वल टू 2। क्वेश्चन कंप्लीटेड, नोट कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5x और प्लस के क्या है 10 इक्वल टू 0। फिर से देखिए वही करेंगे, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। ये इसका मैं रबर जो है इसे मिटा देता हूं, यानी रब गिर देता हूं। अब देखिए हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, c की वैल्यू क्या है, c इक्वल टू क्या है 10। अब b क्या है, 3 अंडर रूट 5। अगर मैं इसे 10 को क्या लिख सकता हूं, 10 को क्या नोट कर सकते हैं हम, जरा सोचिए, 10 को हम नोट कर सकते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। अब देखो अंडर रूट 5 दे रखा, तो अब मैं इसे क्या कर सकता हूं, 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 10। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यानी 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 10। अब हमें ये वैल्यू अगर मैं यहां पर प्लस कर दूं, यानी 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 5, ठीक है ना। क्या बन गया, 3 अंडर रूट 5, और 3 अंडर रूट 5 हमें चाहिए यहां पर c की वैल्यू, तो यानी c की वैल्यू को मैं रिप्लेस क्या कर दूंगा, 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर इसे क्या नोट कर देता हूं, 2 अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5, फिर एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 2 अंडर रूट 5 एक्स की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स हो जाएगा, माइनस है इस प्लस को माइनस बना देगा और फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए कॉमन ले लीजिए, x कॉमन हो जाएगा आपका x माइनस 2 अंडर रूट 5 और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के 5 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिल जाएगा x। अब देखिए 10 को फिर से मैं आपको बता दूं, 10 को हमने क्या लिखा था, अगर अब यहां से मैंने अंडर रूट 5 जो है वो कॉमन ले लेता हूं, अगर अंडर रूट 5 कॉमन ले लूंगा तो अब आपके पास क्या रह जाएगा, 2 अंडर रूट 5, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट्स जो है आपके बिल्कुल सेम आ गए हैं, तो एक बार हमने x माइनस 2 अंडर रूट 5 लिख लिया और फिर सेकंड ब्रैकेट में x माइनस अंडर रूट 5 नोट कर लिया, ठीक है।
फिर क्या हो जाएगा, अब इन्हें अगर हम जीरो वैल्यू करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में अंडर रूट फाइव, और सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी अंडर रूट फाइव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। स्टेटमेंट में फिर से आप नोट कर दोगे देयरफॉर द वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जीरो वैल्यू क्या हो जाएगी टू अंडर रूट फाइव और अंडर रूट फाइव। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, यानी आप उसे एक्सरसाइज को सॉल्व करें और अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो लीजिए तो स्टूडेंट्स आज का आपके लिए काम क्या है, आपको ये पांच क्वेश्चन ईमानदारी से करने हैं। आपको ये एनसीईआरटी में एग्जांपल में दिए हुए हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, परंतु आप अच्छे से कर पाओगे जब आपके दिमाग में क्वेश्चन घुसेगा। तो ईमानदारी से करना है, और समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² - 5x + 3 = 20, इसे आप सॉल्व करेंगे, जीरो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन है 6x² - x - 2 = 0, और थर्ड क्वेश्चन जो है आप ध्यान दीजिए, थर्ड और फोर्थ आपके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की तरह होंगे, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फोर की तरह सॉल्व होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3x² - 2 √6x + 2 = 0। फोर्थ क्वेश्चन है 3x² + 5 √5x - 10 = 0, और फिफ्थ क्वेश्चन है 5x² + 13x + 8 = 0। सभी की आपको जीरो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये क्वेश्चन आपको एक से दो नंबर का जरूर मिलता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।